हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर होम। आज मैं चार ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं जो आप बहुत ही आसानी से घर पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए इस तरह का एक बोतल और इसके पीछे वाला हिस्सा काट देना है और इसमें छोटा सा एक धागा बांध देना है और इसके ढक्कन में एक छोटा सा होल कर देना है और उसके बाद से चाहिए हमें एक धागा और कुछ सैंड। अब इस बोतल से एक पेंडुलम बनाएंगे। मैं एक सिंगल धागे से पेंडुलम बना लिया हूँ। चलिए अब इस बोतल में सैंड भरते हैं। इस पेंडुलम से पैटर्न बनाने के लिए नीचे में फर्श पर काले कलर का प्लास्टिक लगा दिया हूँ ताकि पैटर्न जो बने वह सुंदर दिखे। अब मैं सिंपली इसको इस तरह करके छोड़ दे रहा हूँ और देखिए किस तरह से पैटर्न बनना चालू हो गया। अभी तो मैं एक सिंगल धागा में पेंडुलम बनाया था तो कुछ इस तरीके से पैटर्न बना, क्योंकि जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो एक ऑसिलेशन में जितना समय लग रहा है उतना ही इस डायरेक्शन में छोड़ने पर एक ऑसिलेशन में समय लग रहा है। अब मैं पेंडुलम में दो धागा लगा दिया हूँ और एक यहाँ से धागा लगा दिया हूँ। इसमें इस डायरेक्शन में करने पर एक ऑसिलेशन में जितना समय लग रहा है उतना इस तरह करने पर जितना समय लग रहा है एक ऑसिलेशन में, इसमें अंतर हो जाता है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पैटर्न बनने लगता है। तो चलिए इसी तरह से पैटर्न बनाते हैं। इस बार मैं इस धागे को और ज्यादा लंबा कर दे रहा हूँ जिसमें दो धागा लगा हुआ है। वाओ, बहुत ही अमेजिंग इस बार पैटर्न बना है। इस बार मैं इस धागे को और लंबा कर दिया हूँ। चलिए अब देखते हैं इसका पैटर्न कैसे बन रहा है। बादल तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आज हम लोग अपने मुंह से बादल क्रिएट करेंगे। इसको करना बहुत ही आसान होता है ठंडी के दिनों में, लेकिन गर्मी के दिनों में करने के लिए हमें साइंस का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इसे करते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप है हमें अपने जीभ को ऊपर वाले हिस्से पर इस तरह करना है। इस प्रोसेस को हम लोग मुंह में हवा भर के तब करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम लोगों को लगभग 30 सेकंड तक करना है। उसके बाद से अपने मुंह को प्रेशराइज करना है। इस तरह प्रेशराइज करके आराम से छोड़ देना है, बादल क्रिएट हो जाएगा। चलिए अब इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। जीभ को ऊपर नीचे टकराने से मुंह के भीतर छोटे छोटे पानी के बूंदे तैयार हो जाता है जो आसानी से इवेपोरेट हो जाता है और साथ ही साथ वार्म ह्यूमिड एयर तैयार कर देता है। जब हम लोग मुंह को प्रेशराइज करते हैं तो हवा और ज्यादा गर्म हो जाता है और जैसे ही हम लोग इसको बाहर छोड़ते हैं तो बाहर का हवा ठंडा होता है जिससे मुंह के अंदर का हवा कंडेंस हो जाता है
इस तरह से यह बादल तैयार हो जाता है। यह प्रोसेस बिल्कुल वाटर साइकिल के जैसा है। इसको कर पाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप इस तरह से कर ले रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। पिछले वीडियो में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें पानी में मैंने साल्ट ऐड कर दिया था, जिससे पानी का डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया और आलू डालते ही ऊपर आ गया था। लेकिन आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे क्या होगा अगर साल्ट वाटर को गर्म कर दिया जाए, क्या तब भी यह तैरते ही रहेगा या डूब जाएगा। तो चलिए इसे करके देखते हैं। यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए वाटर, आलू, ग्लास, स्टील के ग्लास भी आप ले सकते हैं, उसके बाद से साल्ट, और चाहिए इंडक्शन कुकटॉप या इसके जगह पर आप गैस स्टोव का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। इसके लिए मैं नॉर्मल वाटर ले रहा हूँ। अभी देख सकते हैं आलू डालने पर नीचे चला गया, पानी के नीचे चला गया है। अब मैं इसमें साल्ट ऐड कर दे रहा हूँ। इसमें मैं आलू डाल दे रहा हूँ ताकि पता चल जाएगा कितना साल्ट हमें चाहिए। जब तक इसमें आलू ऊपर नहीं आ रहा है तब तक साल्ट ऐड करते रहेंगे। यस, आलू अब ऊपर आ चुका है। चलिए अभी साल्ट वाटर का टेम्परेचर देख ले रहे हैं कितना है। 25.9 डिग्री सेल्सियस इस साल्ट वाटर का टेम्परेचर है। चलिए अब इसको गर्म करके देखते हैं क्या होता है। और इसको मैं इस पर इस इंडक्शन में गर्म करूंगा। मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अब देख सकते हैं यह वाटर बॉयल होने लगा है। अब इतना में हमारा काम बन जाएगा, इसलिए मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। 108 डिग्री सेल्सियस है। धीरे धीरे यह घट रहा है, इसलिए मैं इसको तेज़ी से इसमें ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ इस ग्लास में। अब इस आलू को डाल करके देखते हैं क्या होता है। यस, गर्म करने पर आलू नीचे चला गया है। अभी 91 डिग्री सेल्सियस है और यह नीचे है। अभी तो यह गर्म पानी में नीचे चला गया है यह आलू। अब चलिए देखते हैं यह ठंडा होने के बाद ऊपर आ रहा है कि नहीं। यस, धीरे धीरे ऊपर आना चालू हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर, वो जैसे ही ठंडा होना चालू हो गया या धीरे धीरे ऊपर आना चालू हो गया है और बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। ये ऊपर आ गया, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद यह ऊपर आ गया। अभी देख लिया जाए कितना इसका टेम्परेचर है। 86 डिग्री सेल्सियस आते आते यह आलू ऊपर आ गया। और 90 डिग्री सेल्सियस पर या नीचे था। बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह कैसे हो गया। अब मैं सिंपल शुगर फ्लेम थ्रोअर बनाने वाला हूँ। शुगर में बहुत सारा एनर्जी रहता है। हमारे घरों में यह शुगर क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इसमें आसानी से आग नहीं लग पाता है। तो चलिए इसमें आग लगाने के लिए सिंपल फ्लेम थ्रोअर बनाते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले चीनी का पाउडर बना ले रहा हूँ। यस, पाउडर फॉर्म में तैयार हो गया। चलिए इसको निकालते हैं। अब एक बॉटल लेंगे और इसके ढक्कन में एक छोटा सा होल कर देंगे। अब मैं इस शुगर पाउडर को इसमें रख दे रहा हूँ, इस बॉटल में। इतना काफ़ी है। अब मैं इसका कैप बंद कर दे रहा हूँ। अब इसमें से पाउडर स्प्रे हो रहा है, देख सकते हैं। अब मैं एक मोमबत्ती ले रहा हूँ और इसके फ्लेम पर मैं शुगर पाउडर स्प्रे करूंगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं आग लगने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन, फ्यूल और इग्निशन के लिए थोड़ा सा हीट। अगर चीनी के क्रिस्टल फॉर्म में आग लगाया जाए तो आसानी से आग नहीं लग पाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। लेकिन चीनी को जैसे ही पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको स्प्रे करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल के बीच पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे यह आसानी से जल जाता है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।